हैप्लॉइडी कंप्लीट, उसके बाद डिप्लॉइडी एक नॉर्मल प्रोसेस है कि सोमेटिक सेल के अंदर जो है द्विगुणित गुणसूत्र पाते हैं और इसके अंदर सामान्य रूप से जो है विभाजन होता है और विभेदन होता है और सामान्य रूप से इसका विकास होता है। हम बात कर रहे हैं कि जो 2n क्रोमोसोम से ऊपर कि जीनोम के नंबर अगर 3 और उससे ज्यादा हो, 3 और मोर, उसको हम कहेंगे पॉलीप्लॉइडी। हमने पहले देखा था कि 3 और मोर जीनोम, उसको क्या कहेंगे, पॉलीप्लॉइडी, बहुगुणिता। और पॉलीप्लॉइडी हम जानते हैं कि प्लांट्स के अंदर जो है एक कॉमन, एक जो है सामान्यतया पाई जाती है, कॉमनली होती है। लेकिन अगर आप एनिमल्स की बात करें, जो है जंतुओं की बात करें, प्राणियों की बात करें, तो उसके अंदर जो है पॉलीप्लॉइडी रेयर होती है। किसके अंदर? एनिमल्स के अंदर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एनिमल्स के अंदर जो है एक डिप्लॉइड क्रोमोसोम में अगर कोई एडिशनल क्रोमोसोम या अतिरिक्त गुणसूत्र होता है तो उसमें इंटरसेक्स बनते हैं, इंटरसेक्स। और इंटरसेक्स बनने से क्या होते हैं कि वो सो स्टेराइल होते हैं, बंदी होते हैं। तो इसमें जो है एनिमल्स के अंदर रेयर होते हैं लेकिन प्लांट्स के अंदर ये कॉमन होते हैं। अब हम पॉलीप्लॉइडी को आगे देखते हैं। दो तरह की ऑटो पॉलीप्लॉइडी एंड एलो पॉलीप्लॉइडी, स्व बहुगुणिता और पर बहुगुणिता। क्या डिफरेंस दोनों में? ऑटो पॉलीप्लॉइडी, हम इस टर्म्स पर जाते हैं। पॉलीप्लॉइडी का मतलब क्या हुआ कि 3 और मोर जीनोम, एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ द जीनोम 3 और मोर। ऑटो मीन्स सिमिलर टाइप्स, कि इसके अंदर जो बहुगुणिता होती है और इसमें जो जीनोम पाए जाते हैं वो कैसे होंगे, समान प्रकार के होंगे, समान प्रकार के प्रारंभिक समुच्चय अगर किसी में पाए जाते हैं बहुगुणिता में, उसको हम कहेंगे ऑटो पॉलीप्लॉइड, स्व बहुगुणिता। समान प्रकार कैसे, कि अगर जो है हैप्लॉइड है तो ए हो गया, 2n है तो हम उसको ऐसे शो करेंगे, और उसमें अगर जीनोम 3 होते हैं उसको हम इस तरह से, और 4 जीनोम है इस तरह से। अब आप देखिए यहां पर कि एक ही तरह के जीनोम, सिमिलर टाइप के जीनोम, क्योंकि वो एक ही स्पीसीज से आते हैं, एक ही जाति से आते हैं, इसमें जो है एक ही तरह के जीनोम पाए जाते हैं, उनका जो है उनके सेट्स पाए जाते हैं, उसको हम कहेंगे स्व बहुगुणिता। तो ये तो हैप्लॉइड होगी, ये तो बहुगुणिता होते नहीं है, लेकिन इस तरह से जो इस समान प्रकार के अगर 3 सेट पाए जाते हैं जीनोम, उसको हम कहेंगे ऑटो ट्रिप्लॉइडी। और अगर 4 जीनोम है तो उसको हम कहेंगे ऑटो टेट्राप्लॉइडी। तो ये स्व बहुगुणिता हुई। एलो पॉलीप्लॉइडी ये क्या होती है, कि इसके अंदर जो जीनोम होते हैं 3 या 3 से ज्यादा, वो जो है सिमिलर नहीं होते हैं, उसके जो पॉलीप्लॉइडी बहुगुणिता में समान प्रारंभिक समुच्चय नहीं पाते हैं, और उसका कारण ये है कि उसके अंदर अलग अलग स्पीसीज से जो है जीनोम आते हैं, हमें प्राप्त होते हैं, और इस वजह से उसके अंदर जो जीनोम होंगे मल्टीपल होंगे, वो डिफरेंट होंगे, अलग अलग टैक्सोनॉमिक ग्रुप के होंगे। तो ये जो है दोनों फर्क है, जैसे कि
ये एक स्पीसीज है इसके डिप्लॉइड क्रोमोसोम, ये दूसरी स्पीसीज और उसके हाइब्रिड से जो ये हाइब्रिड बना ये 2N और इसमें डुप्लीकेशन से ये टेट्राप्लॉइड, लेकिन कैसा है एलो टेट्राप्लॉइड। अब आप देखिए कि ये भी टेट्राप्लॉइड है और ये भी टेट्राप्लॉइड है, क्या डिफरेंशियल बनोगे? देखिए कि इसके अंदर जो जीनोम है उसे समान प्रारंभिक समुच्चय है, सिमिलर इनिशियल सेट्स ऑफ जीनोम, यहां पर डिफरेंट जीनोम क्योंकि ये अलग अलग टैक्सोनॉमिक ग्रुप से आए हैं, स्पीसीज ये स्पीसीज ये बी स्पीसीज, अलग अलग जीनोम जो है, इस वजह से इसके अंदर जो टेट्राप्लॉइड्स बन रहे हैं उसको हम कहते हैं एलो टेट्राप्लॉइड्स और इसके अंदर जो बन रहे हैं उसको कहेंगे ऑटो टेट्राप्लॉइड्स। तो हम सबसे पहले देखते हैं, ये तो हम पहले कर चुके हैं, अब हम देखते हैं ऑटो ट्रिप्लॉइड्स, स्व त्रिगुणित स्वत्रिगुणित। ऑटो ट्रिप्लॉइड क्या होता है? जैसे हम जानते हैं कि इसके अंदर तीन जीनोम होंगे और कैसे होंगे? सिमिलर होंगे, एक जैसे होंगे, समान प्रारंभिक समुच्चय पाया जाएगा। और ये कैसे बनता है? एन और एन प्लस जो है एन और टू एन, इनके फ्यूजन से संयोजन से ये जो है 3N बनता है। N एंड 2N डिप्लॉइड और हैप्लॉइड क्रोमोसोम के फ्यूजन से जो है ट्रिप्लॉइड कंडीशन बनती है। ये किसमें पाई जाती है? ऑटो ट्रिप्लॉइड कंडीशन। ऑटो ट्रिप्लॉइड कंडीशन जो है राइस में, रोज में, ऑयनोथेरा में, ठीक है, इनके अंदर जो है ऑटो ट्रिप्लॉइड कंडीशन पाई जाती है। और इसमें क्या होता है कि इसकी विशेषता देखें कि जो ये ऑटो ट्रिप्लॉइड्स जो स्वत्रिगुणित पाए जा रहे हैं उसकी विशेषता क्या होती है कि ऑटो ट्रिप्लॉइड जो होंगे वो जो हैप्लॉइड से उसके जो है अपोजिट कंडीशन पाई जाएगी। कैसी कंडीशन? कि वो जो है कमजोर होते हैं लेकिन ये कमजोर नहीं होते। दूसरा कि वो जो लेस वायबल होते हैं ये मोर वायबल होते हैं। तो करेक्टर क्या हो गया इसके? मोर वायबल। इसकी जीवन क्षमता जो है बहुत ज्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग। इसके अंदर गार्ड सेल्स पॉलन ग्लैंड की साइज बड़ी है। इंक्रीज साइज कि इसकी साइज जो है स्टोमेटा के अंदर जो गार्ड सेल्स होती है उसकी साइज बड़ी होगी, पॉलन ग्लैंड बड़े होंगे और स्ट्रॉन्ग होंगे उसकी तुलना में और जीवन क्षमता ज्यादा होगी। खास बात इसके अंदर कि इसके अंदर जो है फ्लोरल पार्ट कमजोर होते हैं और सीड जो है सामान्यतया नहीं बनते हैं, बीज सामान्यतः इसके अंदर नहीं बनते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जो फ्रूट बनेंगे वो कैसे होंगे? सीडलेस, बीज रहित फल बनेंगे इसके अंदर ऑटो ट्रिप्लॉइड के अंदर। तो चूंकि सीडलेस फ्रूट बन रहे हैं तो इसका हॉर्टिकल्चर में बहुत ही शानदार इसका जो उपयोग होता है। कैसे? कि जैसे तरबूज है, अगर वो बीज नहीं हो तो कैसा लगेगा? तो जो है सीडलेस सिट्रुलस जो है वो हम ऑटो ट्रिप्लॉइड्स सिट्रुलस प्रोड्यूस कर सकते हैं।
इसके अलावा जो है फ्रूट्स हैं, आम है, केला है, संतरा है, अमरूद है, उसको भी जो है सीडलेस कर सकते हैं और वो सीडलेस फ्रूट प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा चुकंदर जो है बीटा वल्गरिस, बीटा चुकंदर की रूट हम यूज़ करते हैं, इसमें शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है, तो अगर इसकी रूट लंबी हो जाए और शुगर कंटेंट भी ज़्यादा हो जाए तो कैसा रहेगा। तो जो है ऑटो डिप्लॉयड चुकंदर जो है बीटा वल्गरिस है, उसमें क्या होता है कि रूट जो है लंबी हो जाती है और शुगर लेवल भी इसमें इंक्रीज हो जाता है और उस तरह की जो है बीटा वल्गरिस कैसे क्या कहलाती है, ऑटो डिप्लॉयड बीटा वल्गरिस, ऑटो डिप्लॉयड नेचर। तो ये जो है करेक्टर हो गए ऑटो डिप्लॉयड से। इसको हम इंड्यूस कैसे कर सकते हैं, इसको जब प्रोडक्शन हम आर्टिफिशियली कैसे कर सकते हैं कि जो है म्यूटाजेंस के द्वारा, कॉर्चिसेंस के द्वारा, एक्सरेज और गामा रेज के द्वारा इसको जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और इसके द्वारा टेम्परेचर शॉक के द्वारा, ताप आघात के द्वारा भी हम उसको जो है ऑटो ट्रिप्लॉइड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ऑटो ट्रिप्लॉइड्स तीन जीनों और करेक्टर्स मोर वाइबल एंड स्टेराइल एंड सीडलेस फ्रूट प्रोड्यूस, कि बीज रहित फल जो है इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। ये सबसे इसका इम्पोर्टेंट इसकी सिग्निफिकेंस। उसके बाद हम देखते हैं ऑटो टेट्राप्लॉइड। ऑटो टेट्राप्लॉइड इसके अंदर क्या होगा, फोर जीनों। और ये बनते कैसे हैं कि इसके अंदर जो डिप्लॉइड गैमेट्स हैं, अगर उसका फ्यूजन हो जाए, कोई गैमेट्स अगर डिप्लॉइड है उसका फ्यूजन हो जाए, या फिर सोमेटिक सेल जो है उस सोमेटिक सेल में डुप्लीकेशन हो और उसके डुप्लीकेशन के बाद में जो है मियोसिस एब्सेंट, तो जो है हम ऑटो टेट्राप्लॉइड प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऑटो टेट्राप्लॉइड्स। तो इस तरह से ये बनते हैं। कैरेक्टर क्या हो गए, इसके लक्षण क्या हो गए, स्वचतुर गुणित ऑटो टेट्राप्लॉइड्स का क्या कैरेक्टर है कि ऑटो टेट्राप्लॉइड्स जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लांट्स होते हैं, कि उसके अंदर पॉलन ग्रेन की साइज बड़ी, गार्ड सेल बड़ी, न्यूक्लियस बड़ा, सेल बड़ी, कोशिका की साइज बड़ी होती है, न्यूक्लियस की साइज बड़ी होती है, गार्ड सेल की साइज बड़ी होती है, इसके अंदर पॉलन ग्रेन की साइज बड़ी होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इसके अंदर वो है कि इसके अंदर जो ऑटो टेट्राप्लॉइड्स प्लांट होते हैं उसके अंदर एक्लाइमेटाइजेशन, दशा अनुकूलता क्या करेक्टर हो गए, एक्लिमेटाइजेशन दशा अनुकूलन सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है एक्लिमेटाइजेशन दशा अनुकूलन, कि कोई भी प्लांट्स अगर हम एक जगह से दूसरी जगह इंट्रोड्यूस करें, अगर प्लांट इंट्रोडक्शन होता है तो उसमें क्या करते हैं हम कि एक जगह से कोई प्लांट्स ला करके दूसरी जगह उसको शिफ्ट करते हैं, और उस जगह पर अगर वहाँ की एडेफिक फैक्टर्स के द्वारा, क्लाइमेटिक फैक्टर्स के द्वारा, या फिर जो है सॉइल या फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कंडीशन कैसी है, उस कंडीशन में अगर वो कोई प्लांट वहाँ एस्टेब्लिश हो जाता है, अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, तो उस कंडीशन को, उस अवस्था को हम कहते हैं एक्लिमेटाइजेशन या दशा अनुकूलता। जो वहां पर एक्लिमेटाइजेशन हो जाएगा वो सर्वाइव कर जाएगा, और जो वहां पर एडजस्ट या एक्लिमेटाइज नहीं हो पाएगा वो वहां पर नष्ट हो जाएगा। तो
तो जो ऑटो टेट्राप्लॉइड्स प्लांट होते हैं उसके अंदर हाई लेवल की एक्लिमेटाइजेशन या दशा अनुकूलता पाई जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि उनको जो है ऑटो टेट्राप्लॉइड्स में हम इनग्रो करवाते हैं तो वहाँ पर वो आसानी से एडजस्ट हो जाते हैं, उग जाते हैं। और खास बात क्या है कि ऑटो टेट्राप्लॉइड्स प्लांट्स के अंदर एस्कोर्बिक एसिड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, विटामिन सी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, ये इसकी खास बात है। इसके अलावा बाकी चीज़ें तो है कि इसके अंदर न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस सेल साइज इंक्रीज काफ़ी बड़ी होती है। इसके अलावा गार्ड सेल पॉलन ग्रेन वो काफ़ी बड़े होते हैं, और इसके अंदर जो फ्लावर होते हैं काफ़ी शाइनिंग होते हैं, चमकीले होते हैं। ऑटो टेट्राप्लॉइड्स के अंदर जो है चमकीले पुष्प पाए जाते हैं, और जो सीड होंगे और जो फ्रूट होंगे वो कैसे होंगे कि वो जो है गहरे कलर, गहरे रंग के, डार्क कलर के होंगे और बड़े होंगे, इंक्रीज साइज के, बड़ी साइज के जो है, बड़े आकार के फल और बीज, और वो डार्क कलर के होंगे, गहरे रंग के होंगे, और पुष्प जो है वो चमकीले होंगे। तो ये जो है विशेषता किसकी है, ऑटो टेट्राप्लॉइड्स स्वचतुर्गुणित पौधों की। तो ये विशेषता जो है इसकी होगी। इसकी लिमिटेशन ये है कि जो ऑटो टेट्राप्लॉइड्स होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं, लेकिन उसमें वाटर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। वाटर कंटेंट ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर जो उसका ड्राई वेट, शुष्क भार जो है वो कम हो जाएगा, और शुष्क भार या ड्राई वेट कम हो जाएगा और वाटर कंटेंट ज़्यादा होते हैं, तो ऑटो टेट्राप्लॉइड्स क्या करते हैं, जो फ्रीज के अंदर जो है फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस, जो पाले के प्रति जो प्रतिरोधक क्षमता होती है उसमें उसमें कमी आती है, फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाता है, उसका लॉस हो जाता है इसके अंदर ऑटो टेट्राप्लॉइड्स। तो ये हमारे जो है यूप्लॉइडी का फर्स्ट पोर्शन जो है ऑटो पॉलीप्लॉइड ये कंप्लीट हुआ, इसमें हमने जो है ऑटो ट्रिप्लॉइड्स पढ़ा और ऑटो टेट्राप्लॉइड्स पढ़ा। अब हम बात करते हैं एलो पॉलीप्लॉइड्स। एलोपॉलीप्लॉइड्स पर बहुगुणिता, जैसा कि हमने देखा था कि जो एलोपॉलीप्लॉइड्स होते हैं उसमें जो जीनोम होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं, उसमें समान प्रारंभिक समुच्चय नहीं पाए जाते हैं बेसिक क्रोमोसोम नंबर के। तो यहाँ पर जो है जीनोम जो है अलग अलग स्पीसीज आते हैं, जैसा कि हमने बताया था ये स्पीसीज अलग है, ये स्पीसीज अलग है, और उसके अंदर जो हाइब्रिड बनेगा वो कैसा होगा, ट्यूबेल होगा और स्टेराइल होगा। स्टेराइड क्यों होगा, क्योंकि उसके अंदर जो मियोसिस जो होगा सूत्रीवाद होगा उसमें क्या है कि क्रोमोसोम के बीच में पेयरिंग नहीं हो पाती है, सिनेप्सिस नहीं हो पाती है, सिनेप्सिस जाइगोटिन में सिनेप्सिस नहीं हो पाती है, सूत्र युग्म नहीं हो पाता है। क्यों, क्योंकि ये जो है अलग अलग टैक्सोनॉमिक ग्रुप से आते हैं और इसमें सिनेप्सिस नहीं हो पाती है। तो ये स्टेराइड रहते हैं, और इसका जो है हम एप्लीकेशन करें कॉल्चिसिन के द्वारा या किसी और दूसरे एजेंसी के द्वारा, केमिकल के द्वारा, तो हमें जो है इस तरह के जो है एलो टेट्राप्लॉइड्स मिलते हैं फोर एंड कंडीशन। तो एलो टेट्राप्लॉइड्स जो है काफ़ी स्टेराइल होते हैं, क्योंकि इसके अंदर मियोसिस डिस्टर्ब हो जाता है, पेयरिंग नहीं होती है, सिनेप्सिस नहीं होती है क्रोमोसोम के बीच में। और एलो टेट्राप्लॉइड्स का सबसे अच्छा एग्जांपल हम अगर देखें तो है रेफेनोप्लास्टिन। ये जो है रेफेनोप्लास्टिका किससे बनाई गई है, कार्पेंच डेवलप की गई। इसके द्वारा ये रेफेनोप्लास्टिका बनाई गई, डेवलप की गई। ये जो है रेफिनस सेटाइल,
और ब्रैसिका ओलेरिसिया। इसके द्वारा डेवलप की गई रेफरेंस सेटेवर और ब्रैसिका ओलेरिसिया के द्वारा डेवलप की गई इसके अंदर। तो ये जो है रेफरल ब्रैसिका कैसी है, एलो टेट्राप्लॉइड्स। तो ये यूप्लॉइडी हमारा कंप्लीट टॉपिक। और हम एक नॉर्मल अगर पॉलीप्लॉइडी के सब पूछे कि पॉलीप्लॉइडी की विशेषता क्या होती है, तो हम बहुगुणिता की विशेषता क्या होती है, उसका प्रभाव क्या होता है, तो हम बता सकते हैं कि ये जाइजेंटिज्म महाकायता दर्शाते हैं, शो करते हैं। इसके अंदर जो है फ्लोरल पार्ट और वेजिटेटिव पार्ट की साइज जो है काफ़ी बड़ी होती है। इसके अंदर जो प्लांट्स होते हैं उसके वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और ड्राई वेट कम होता है, और इस कारण जो है ये इसके अंदर फ्रॉट रेजिस्टेंट जो है वो कम हो जाती है, और ये जो है काफ़ी सिराइल होते हैं, बंदे होते हैं, लेकिन ये जो काफ़ी मजबूत होते हैं, जो है स्ट्रांग होते हैं ये प्लांट्स, पॉलीपाइड्स प्लांट्स। तो ये इसके प्रभाव में पॉलीप्लॉइडी के, और पॉलीप्लॉइडी को हम जो है इंड्यूस कैसे कर सकते हैं कि इसके अंदर म्यूटाजेंस के द्वारा कर सकते हैं, चाहे एक्सरेज हो, गामा रेज हो, नाइट्रस ऑक्साइड हो, और केमिकल्स के द्वारा इंड्यूस कर सकते हैं, कॉल्चिसिन जो है, ग्रेनासन है, इसके अलावा नैक्थिलीन एसिटिक एसिड, उसके द्वारा जो है हम पॉलीप्लॉइडी को इंड्यूस कर सकते हैं, जो इंडोल एसिटिक एसिड जो